जिला बिलासपुर तहसील घुमार में डाक थाना नसवाल गांव सेव की निवासी रंजना देवी ने लाडली फाउंडेशन के जिला कार्यकारी अध्यक्ष रेखा बिष्ट एवं जिला उपाध्यक्ष रश्मि गौतम की संयुक्त अगुवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित शर्मा को शिकायत पत्र सौंपा। रंजना देवी ने शिकायत पत्र में कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी शादी 29 जून 2018 को दोनों पक्षों की रजामंदी से मेरी शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ सभी के समक्ष जिला होशियारपुर पंजाब प्रदेश के निवासी के साथ की थी। शादी के समय मेरे ससुर ने दहेज लेने के लिए मना किया था, तो मेरे ससुर ने तो मेरे कहे अनुसार मेरे माता पिता ने दहेज नहीं दिया। शादी के समय मेरे ससुर ने दहेज लेने के लिए मना किया था, तो मेरे ससुर के कहे अनुसार मेरे माता पिता ने दहेज नहीं दिया। शादी के कुछ महीने बाद मेरी सास आशा और मेरी ननंद बरखा मुझे दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करती रहती हैं। मेरी ननंद बरखा शादीशुदा हैं और जब भी आती हैं तो अक्सर दहेज के लिए तंग करती हैं। मेरा पति ससुर सास ननंद मुझे धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालते हैं। जब मैं गर्भवती थी तब मेरा पति मुझे मायके छोड़ गया था। 1 दिसंबर 2019 को मैंने बेटे को जन्म दिया। उसके बाद मेरा पति मुझे वापस लेने नहीं आया। पीड़ित महिला रंजना देवी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मेरा घर बसाने मेरी सहायता करें तथा उक्त शिकायत के आधार पर मुझे कानूनी इंसाफ दिलाया जाए। इस मौके पर पीड़ित महिला रंजना देवी की माता ममता देवी एवं दादा दादी भी मौजूद रहे। और गांव से डाकखाना नसवाल तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर से संबंध रखती हूँ। और जो मेरे माँ बाप हैं बहुत ही ज़्यादा गरीब है और मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जो माँ बाप हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते काम करने का काम करते हैं। और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझे बहुत दुखी दुखी करते हैं, मुझे दहेज के लिए बोलते हैं और मुझे बोलते हैं कि ईसाई धर्म अपनाने को बोलते हैं, हिंदू धर्म धर्म को छोड़ने के लिए ईसाई धर्म अपनाने के लिए बोलते हैं और मुझे बहुत तंग करते हैं। और जो मेरी ननद है वो मेरे कमरे में कब्जा करके करके रख रखती है, मुझे मुझे बरांडे में सुलाने के लिए बोलते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं। जब मेरे जब जब मेरी मेरी डिलीवरी का समय था तो मेरे घर वाले मुझे यहाँ पे छोड़ गए। पूरा पूरा डिलीवरी का खर्चा मेरे भाई के वालों ने उठाया। उसके बाद भी जब डिलीवरी होने के बाद जब मैं घर पे आ गई तब भी उन्होंने मेरा कोई पता नहीं लिए और ना उन्होंने कोई फोन ना कोई उन्होंने कोई कोई भी मेरी खबर नहीं ली और ना मुझे घर लेके जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे घर लेके जाए और लेके जाना, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए।